उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की सुबह पहले महाराजगंज और फिर गोरखपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बेहद आत्मीयता से बातचीत की, उनका दुख दर्द साझा किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से राहत सामग्री सौंपी और भरोसा दिया कि हर संकट में सरकार उनके साथ खड़ी है, बाढ़ आपदा में हुए उनके हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र व राज्य की सरकार ने हर प्रकार की सहायता के लिए प्रशासन को पर्याप्त धन व सामग्री उपलब्ध करा दी है। मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा कर रहा हूं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कवि नगर, बस्ती और गोरखपुर के दक्षिणांचल के दौरे के बाद आज मैंने महाराजगंज, कैंपियरगंज के बाद अब मैं सैजनवा में आया हूं और समय बाढ़ है। इस समय बाढ़ के लिए नहीं था, अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की उनको 2 समय भोजन मिल सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 2-5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसे भी उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं। कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़ बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण,
उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को जो भी किसान है उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले दो तीन दिन के अंदर निकल जाएगा, उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पर करना होगा। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए, आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।